हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश सिंप्लीफाइड, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 4 है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। इसके हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड आंसर को कवर कर रहे हैं। तो रीडिंग विद इंसाइट से एक क्वेश्चन हमारे पास है जो आज हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टाइन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विद हिज हिस्ट्री टीचर, हिज मैथमेटिक्स टीचर एंड द हेड टीचर। कि आप आइंस्टाइन के नेचर के बारे में क्या समझ सकते हैं जो बातचीत उनके हिस्ट्री टीचर के साथ हुई और उनके मैथमेटिक्स टीचर के साथ हुई और उनके प्रिंसिपल के साथ हुई। तो इससे आपको उनके नेचर का कौन सा पार्ट पता लगता है? तो आंसर है, एक्सचेंजेस बिटवीन आइंस्टाइन एंड हिस्ट्री टीचर शोज दैट आइंस्टाइन इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। कि जब हम हिस्ट्री टीचर के साथ उनके कन्वर्सेशन या उनके बिहेव को, एटीट्यूड को देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जो आइंस्टाइन है वो बहुत ही सच बोलने वाले, बहुत ही ईमानदार बच्चे थे। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री टीचर, ही कुड नॉट रिमेंबर द फैक्ट्स एंड डेट्स ऑफ हिस्ट्री। उनके हिस्ट्री टीचर के अनुसार वो कभी भी याद नहीं रख पाते थे तथ्यों को और हिस्ट्री की डेट्स को अक्सर वो भूल जाया करते थे। बट एल्बर्ट ओपनली एक्सेप्टेड हिज शॉर्ट कमिंग। लेकिन एल्बर्ट ने हमेशा ही बड़े ही खुले मन से अपनी इस कमी को स्वीकार किया कि वो सच में ही हिस्ट्री की डेट्स को याद नहीं रख पाते हैं। ही एक्सप्लेन्स प्रिशियसली व्हाट ही थिंक्स। और वो उन्हीं चीज़ों को सामने रखते थे जिन चीज़ों को वो सोचा करते थे। ऐसा नहीं था कि वो सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। दस हिज बेसिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड ल्यूसिड एक्सप्रेशंस आर हाईलाइटेड। और इस प्रकार से उनकी जो बेसिक इंटेलिजेंस है और उनकी जो तर्क बुद्धि थी, जिस तरीके से वो सोचा करते थे और वो जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को शो किया करते थे, तो वो हाईलाइट होता है इनकी इस कन्वर्सेशन से। ही स्टार्टेड शोइंग हिज एबिलिटी फ्रॉम अ यंग एज। उन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र से ही अपनी एबिलिटी को दिखाना शुरू कर दिया था। His maths teacher had a high and impressive opinion of him। और उनके जो maths teacher हैं, उनकी तो उनके प्रति एक बहुत ही high और बहुत ही प्रभावित ओपिनियन थी उनके प्रति। ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग, आई कांट टीच यू मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी। और उन्हें ये बात बोलने में, ये स्वीकार करने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं हुई कि मैं तुम्हें शायद और ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा तो शायद तुम ही मुझे पढ़ाना शुरू कर दो। वैन एल्बर्ट सेड दैट इट वॉज एक्सेसिव प्रेज। और जब एल्बर्ट ने उन्हें ये कहा कि ये तो आपने मेरी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी है, द टीचर एक्नॉलेज्ड दैट इट वॉज ओनली द ट्रुथ। तब टीचर ने उनको ये कहा कि ये तो केवल एक सच्चाई थी, यानी कि जो मैथ्स के टीचर थे वो सच्चे दिल से उनके अप्रिशिएट उनको किया करते थे उनकी एबिलिटी को, क्योंकि वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और वो जानते थे कि मेरा ये स्टूडेंट क्या है। तो इसी वजह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि शायद तुम ही मुझे पढ़ाना शुरू कर दोगे। हिज मैथ्स टीचर assisted Albert to take admission in a high mathematical college without passing school। और ये उनके वही मैथ्स टीचर थे कि जब उन्होंने बिना पासिंग स्कूल के, उन्होंने अपना स्कूल अभी पास भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सिफारिश कर दी थी एक हाई मैथमेटिकल कॉलेज में उनके एडमिशन के लिए। तो उनके बिहाफ पर स्टूडेंट बिना स्कूल पास किए एल्बर्ट को एक हाई मैथमेटिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। The headmaster told Albert that he is expelling him from school because he creates a disturbance in class and doesn't let the other students study as well। और जब उनके प्रिंसिपल ने उन्हें ये कहा कि वह उन्हें स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो क्लासरूम में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं और इसी वजह से जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो ठीक तरीके से अपनी स्टडी को नहीं कर पाते, तो हेडमास्टर ने डिसीजन क्यों लिया था स्टूडेंट्स उनको स्कूल से निकालने का? क्योंकि एक हिस्ट्री टीचर और जो दूसरे बाकी सभी टीचर्स थे वो उनकी एबिलिटी को पहचान ही नहीं पा रहे थे और उन्होंने हेडमास्टर को यह उनकी कंप्लेंट की थी कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे कहने के अनुसार बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इसी वजह से हेडमास्टर ने ये डिसीजन लिया कि वो उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। ही सेड
हिज प्रेजेंस इन द क्लास रूम मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच। अब उन्होंने ये भी कहा कि जब तुम क्लासरूम में होते हो तो जो टीचर्स होते हैं उनको पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है, वो स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पाते। नो सीरियस वर्क कुड बी डन वाइल ही वॉज इन द क्लास। और जब वो क्लास में होता है तो कोई भी सीरियस वर्क जो होता है वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। एल्बर्ट डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस। अब एल्बर्ट ने हेडमास्टर के इस डिसीजन पर बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी विथ दिस डिसीजन ऑफ द हेडमास्टर, क्योंकि इंटरनल वो बहुत ही ज़्यादा खुश था हेडमास्टर के इस डिसीजन पर कि चलो ठीक है, उसके फादर तो उसे स्कूल से निकालेंगे नहीं, अब ये हेडमास्टर है यही उन्हें स्कूल से निकालने पर लगा है, तो उनका तो काम बन गया, क्योंकि उन्हें पढ़ाई का जो सिस्टम था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एल्बर्ट थॉट फॉर अ मोमेंट दैट ही शुड टेल द हेडमास्टर व्हाट ही थॉट अबाउट द स्कूल, बट ही डिड नॉट। अब एल्बर्ट ने एक पल के लिए सोचा कि वो हेडमास्टर को बताए कि स्कूल के बारे में उसकी क्या ओपिनियन है, वो चाहता है कि किस टाइप से स्कूल होना चाहिए और स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही डिड नॉट मिसबिहेव विद हिज टीचर्स, क्योंकि वो अपने टीचर्स के साथ मिसबिहेव्स कभी नहीं करता था। ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड देम, वो हमेशा ही उनकी रिस्पेक्ट किया करता था। तो स्टूडेंट, ये जो था एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो नेचर सामने आया कि किस तरीके से उनको मैथ्स के टीचर लेते थे, हिस्ट्री के टीचर लेते थे और उनके हेडमास्टर उनके बारे में क्या सोचते थे, तो अभी आपने ये सारी चीज़ों को देखा। उम्मीद है ये आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।